तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने फिलिप्स फिलिप्स कंपनी का इंडक्शन कुकटॉप है। तो इस इंडक्शन कुकटॉप में देखिए यहाँ पर इसका जो कंट्रोल पैनल है वो भी ख़राब है, वो हमारा मेन पीसी भी वो भी ख़राब है। तो हम क्या करेंगे, इस इंडक्शन कुकटॉप में हम जो हमारा देखिए यहाँ पर यूनिवर्सल बोर्ड जो आता है इसको हम सेट करेंगे। देखिए यहाँ पर यूनिवर्सल बोर्ड है, तो इस यूनिवर्सल बोर्ड को कैसे सेट करते हैं इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर इसमें यूजर मैनुअल देखिए और इसमें एक कंट्रोल डिस्प्ले आता है और यहाँ पे और एक चीज़ मिलता है। देखिए यहाँ पर तो हमारा बहुत साइड जो टेप होता है दोनों साइड से हमारा जो ये वाला टेप मिलता है तो इसको हम साइड में रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो पीसीबी को हम यहाँ से देखिए यहाँ से पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। देखिए ये जो पीसीबी है वो हमारा 1800 वाट की पीसीबी है। इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। देखिए यहाँ पर पीसीबी की जो बिल्ड क्वालिटी वो बहुत ही अच्छा है। ये जो पीसीबी है हमारा चाइना पीसीबी चाइना कंपनी की पीसीबी है पीसीबी है। तो अब देखिए यहाँ से मैं इसके जो सारे कनेक्शन को मैं यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ। देखिए यहाँ पर मेन कनेक्शन को भी यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो पीसीबी है इसको मैं बाहर निकाल लिया। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर मैं यहाँ पर जो यूनिवर्सल पीसीबी आता है इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा। पीसीबी को बैठाने के लिए बैठाने का टाइम इस एक चीज़ को आपको यहाँ पे नोटिस करना। देखिए यहाँ पर इसमें जो कूलिंग फैन होता है ये हमारा देखिए यहाँ पर यहाँ पे रहना है। इसके जो हीट सिंक प्लेट है इसमें रहना चाहिए, कूलिंग प्लेट जो है कूलिंग फैन इसमें रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर यूनिवर्सल पीसीबी को मैंने यहाँ पर देखिए एक स्क्रू लगाया। देखिए यहाँ पर और दूसरे स्क्रू को मैं कहाँ पे लगाऊंगा दिखाऊंगा आपको। देखो तो अब देखिए दूसरे स्क्रू को मैं यहाँ पे लगाऊंगा। देखिए चाइना के पीसीबी में यही प्रॉब्लम आता है, जो स्क्रू है वो हमारा सही जगह में बिठाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ दो स्क्रू लगाया, दो स्क्रू को मैंने यहाँ पे सेट किया। देखिए यहाँ पर एक और यहाँ पे एक और यहाँ पर हमारा पीसीबी जो है हमारा फिट हो गया। तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर मैं कौन से कनेक्शन कर रहा हूँ मतलब आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। यहाँ पर देखिए तो पहले तो मैं यहाँ पे देखिए कनेक्टर को थोड़ा साइड टाइट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा मेन कनेक्शन फेस और न्यूट्रल है, मैं इसको यहाँ पे लगा दूँगा। तो यहाँ पर जो हमारा फेस न्यूट्रल कनेक्शन हुआ हमारा हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए ये वाले कनेक्टर है वो हमारा फैन के कनेक्टर है। देखिए यहाँ पर फैन के कनेक्टर को मैं यहाँ पे लगा लिया। अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर जो कॉइल की जो तुले दोनों पॉइंट को मैं यहाँ पे लगाऊंगा।
देखिए यहाँ पर जो फिलिप्स इंडक्शन कुकटॉप में, देखिए यहाँ पर ये वाले जो कनेक्शन है ये हमारा सेंसर कनेक्शन है, और ये जो कनेक्शन है आप देख पा रहे हैं ये हमारा थर्मल फ्यूज होता है, तो इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा थर्मल फ्यूज कोई काम नहीं है। तो ये वाली हमारा थर्मल फ्यूज की है, तो मैं यहाँ से काट कर देता हूँ देखिए यहाँ पर। आपको यहाँ पर ये जो सेंसर लगा हुआ है इस सेंसर को चेक कर लेना, क्योंकि ये सेंसर ख़राब होगा तो आपका पिछली जो है वो प्रॉपर काम नहीं हो करेगा। तो मैं यहाँ पर सेंसर को टेस्ट कर लेता हूँ देखिए, यहाँ पर मैं कंटिन्यूटी में टेस्ट कर रहा हूँ देखिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर 2000 के पे हम सेट करके हम चेक करेंगे। देखिए आप हमारा 96 ओम्स बता रहे हैं देखिए यहाँ पर, तो मैं आप अच्छे से दिखाता हूँ देखिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमारा रीडिंग शो कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो सेंसर है वो सही है, तो अब यहाँ पर हम इसको फिटिंग कर सकते हैं। तो ये वाले जो कनेक्शन है वो हमारा सेंसर की है, तो मैं यहाँ पर सेंसर लगा लिया। अब यहाँ पर मैं जो इसका कोयल की जो ये लगा हुआ है इसको मैं लगाऊंगा। इसको मैं लगा लिया, अब दूसरे जो कोयल की लग बचा हुआ है इसको भी हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पर ये वाले भी मेरा सेटिंग हो गया, तो अब यहाँ पर मैं यहाँ पर कॉइल को बैठाऊँगा देखिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा हीटिंग सेंसर है, तो इसमें हम थोड़ा सा जो हमारा हीट सिंक कंपाउंड है इसको हम लगाएंगे। अब यहाँ पर जो हमारा पीसीबी के जो काम है वो हमारा पूरा हो गया, तो अब यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे देखिए जो हमारा यूनिवर्सल की बोर्ड के जो हमारा पीसीबी आता है और जो हमारा मेन जो कंट्रोल पैनल आता है, तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे देखिए, हम इसको बाद में फिटिंग करके आप फिटिंग करेंगे, पहले हम इसको चेक करेंगे हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है या फिर नहीं, तो हम पहले यहाँ पर सीरीज में सफाई देंगे। देखिए यहाँ से हमारा फैन रोटेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो पहले जो बीप बीप की साउंड आ रहा था ये नहीं आ रहा। देखिए यहाँ से मैं ऑन करता हूँ देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमारा पीसीबी जो है वो हमारा ऑन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा E0 मतलब E2 शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा सेंसर लगा हुआ है ये सेंसर मेरा लगा नहीं है, इसके कारण से हमारा E2 शो कर रहा है। पहले तो हमारा यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर हमारा अब जो ये जो पीसीबी
तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारा अब जो काम बाकी है जो पूरा काम हो गया, तो हम यहाँ पे ये जो हमारा कंट्रोल बोर्ड होता है इसको हम लगाएंगे यहाँ पर। तो इसको लगाने के लिए देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम डिज़ाइन करके फिटिंग करेंगे। देखिए यहाँ पर जो हमारा जो डिस्प्ले की जो यहाँ पे निशान था तुम्हें इसको यहाँ से देखिए तो इसमें हम इसी के अंदर से हम यहाँ से हम ये जो डिस्प्ले कंट्रोल की जो हमारा कनेक्टर है इसको हम यहाँ पे बाहर निकालेंगे। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पे अच्छे से देखना है क्योंकि यहाँ पर आप डिस्प्ले कंट्रोल को मैं यहाँ से अब देखिए यहाँ पर ये जो कनेक्टर है इसको हम यहाँ पे लगाऊंगा। कनेक्टर को यहाँ पे लगा लेते हैं फिर देखिए यहाँ पर मैंने कनेक्टर को लगा लिया। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर जो इसके जो इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से साफ करेंगे। और यहाँ पे जो टेप है इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। देखिए यहाँ पर टेप जो है स्टेप जो दोनों साइड है इसको हमको यहाँ पे जो कवरिंग है इसको हम निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मैं इसको नीचे फिटिंग कर दिया। अब यहाँ पर तो जो ऊपर की टेपिंग है इसको मैं यहाँ पे हटा दिया। अब यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर फिटिंग कर लिया। देखिए यहाँ पर अभी यहाँ पर इसको हम चेक करेंगे ये हमारा काम कर रहा है या फिर नहीं, इसको हम चेक करेंगे अब यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर मैं इंडक्शन को यहाँ से सप्लाई दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हम यहाँ से चेक करेंगे हमारा इंडक्शन हुआ हमारा वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमारा फैन घूम रहा है तो हम यहाँ से इंडक्शन कुकटॉप को यहाँ से ऑन करेंगे। देखिए देखिए यहाँ पर हमारा इंडक्शन जो है वो हमारा 1800 वाट में वर्क कर रहा है। देखिए यहाँ पर तो इसमें तो ऐसा हम पानी डालेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए हमारा पानी उगल रहा है तो हम यहाँ से देखिए डाउन करते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ पर हमारा 300 वाट में वर्क कर रहा है। देखिए यहाँ पर इंडक्शन जो है हम देखिए यहाँ पर 1800-1400 वाट में भी हमारा वर्क कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखिए हमारा पानी उबल रहा है। देखिए तो यहाँ से मैंने बंद कर लिया। देखिए यहाँ पर तो हमारा ये जो इंडक्शन है वो हमारा अभी वर्क कर रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना मिलता है अगले वीडियो में।